हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो डायरेक्ट करंट जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर है उनमें कंस्ट्रक्शन भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, वर्किंग भी सेम है, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के। कौन सी चीज को छोड़ के? यहाँ जो है वो स्प्लिट रिंग यूज किए गए हैं जिनको कम्यूटेटर्स होते हैं, और जो एसी जनरेटर था उस एसी जनरेटर के अंदर हमने कौन से रिंग यूज किए हैं जिनका नाम है स्लिप रिंग। वो स्लिप रिंग क्या करते थे, एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को बेटा क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। यहाँ जो ये स्प्लिट रिंग है या जिनका नाम कम्यूटेटर्स है, यहाँ ये करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते, और करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते तो मींस जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा करंट है आप लोगों के पास, डायरेक्ट करंट। तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर की वही डेफिनेशन है जो एसी जनरेटर की थी, बट उसमें एक फर्क क्या था, वहां जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती थी, यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट हो रही है। तो क्या होती है, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। किसकी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, डायरेक्ट करंट की फॉर्म के अंदर बेटा कन्वर्ट करें, उस डिवाइस का नाम हो गया जनरेटर। मींस जनरेटर का मतलब क्या हो गया कि जब रोटेट होता है, रोटेट होने में तो क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, और रोटेट होने पर वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो किसकी फॉर्म के अंदर, वो दोनों फॉर्म होती है, जहां एसी जनरेटर होता है वहां अल्टरनेटिंग करंट होता है, जहां डीसी जनरेटर होता है वहां डायरेक्ट करंट होता है। प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल है कि जब भी किसी क्लोज कॉइल में, क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से उसके अंदर, कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, जो किसका बेस है, ईएमआई, जो आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही इसमें बताया गया है कि व्हेनेवर, जब कभी इन ए क्लोज सर्किट, कोई भी जो क्लोज सर्किट होता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस, उस क्लोज सर्किट में क्या चेंज किए जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज किए जाए, तो एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होने का फिनोमेना जो होता है उसको हम ईएमआई बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ चार पार्ट है। आर्मेचर कॉइल क्या होती है, आर्मेचर कॉइल एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ए बी सी डी, कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। आर्मेचर क्या है, आप लोगों के पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिस कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड होते हैं, उस कॉइल को हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। आर्मेचर कॉइल क्या होती है, एक एक्सिस के ऊपर, पर्टिकुलर एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, और जैसे मैंने आपको बताया था साइकिल का पेडल होता है, देखा हुआ, वो एक एक्सल पे रोटेट करता है, ऐसे ही जनरेटर भी जो आर्मेचर कॉइल है, उस आर्मेचर कॉइल को देखा जाए तो वो भी एक एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दूसरा पार्ट आता है फील्ड मैग्नेट। देखो बेटा, फील्ड मैग्नेट का मतलब देखो, ये एक नॉर्थ और ये साउथ, ये एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर कॉइल के दोनों तरफ क्या किया हुआ, आप लोगों के पास अप्लाई किया हुआ है, और जब भी ये आप लोगों के पास इस ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने के कारण करंट इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस, जो प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के बारे में स्पेशली लिखा हुआ, देखो दो हाफ रिंग्स है जो एक ही मेटल, एक ही रिंग, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन स्प्लिट रिंग आर वन एंड आर टू आर द टू हाफ रिंग्स, टू हाफ ऑफ द सेम रिंग, आधी रिंग इधर है, आधी रिंग इधर है, बीच से वो ब्रेक हो रही है, सेम रिंग के दो पार्ट्स है। और देखो आर्मेचर कॉइल का एक एंड आर वन रिंग के साथ कनेक्ट होता है, आर्मेचर कॉइल का दूसरा एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्ट होता है, और ये रिंग जो है
कनेक्टेड टू द आर्मेचर एंड, आर्मेचर एंड के साथ कनेक्ट होते हैं और जो ही आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है उसी के साथ ये रिंग भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बस यही फर्क है, उसके अंदर जो दो रिंग थे वो होलो रिंग थे और डिफरेंट हाइट्स पे थे पूरे के पूरे आप लोगों के पास, और वो भी क्वाइल आर्मेचर क्वाइल के साथ फिक्स होते थे और फिक्स होने पर बट वो करंट की डायरेक्शन को आर्मेचर क्वाइल के अंदर क्या कर देते थे, जो लोड रेसिस्टेंस है इस लोड रेसिस्टेंस के अंदर वो करंट की डायरेक्शन को क्या करते थे, चेंज कर रहे थे। यानी कि गैल्वेनोमीटर एक बार लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा था, एक बार राइट की तरफ मूव हो रहा था, बट यहाँ जो है करंट की डायरेक्शन सेम बनी हुई है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इन स्प्लिट रिंग के कारण, जिनको कम्यूटेटर्स बोलते हैं। चौथा पॉइंट बताया ब्रिसेस। देखो ये दो ब्रिसेस है, एक B1 ब्रिसेस है, एक B2 ब्रिसेस है। ये दो ब्रिसेस है जो किसके बने होते हैं, या तो किसी मेटल के बने होते हैं या कार्बन रोड के बने होते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन में भी स्पेशली ग्रेफाइट के बने होते हैं बेटा। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इनके अंदर से जो आर्मेचर कॉइल जब रोटेट हो, रोटेट होने से इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो वो करंट इंड्यूस इन रिंग्स के थ्रू आउट, इस ब्रिसेस के थ्रू आउट कहाँ चला जाए, लोड रेसिस्टेंस के अंदर। अगर ये मेटल के ना होके नॉन मेटल के होते, जैसे ग्रेफाइट के अलावा किसी और नॉन मेटल के होते, तो इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए ये स्पेशली जो रिंग है या तो मेटल के होने चाहिए, सॉरी ब्रिसेस जो होने चाहिए वो किसके होने चाहिए, मेटल के होने चाहिए या फिर कार्बन रोड में ग्रेफाइट के बने होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी वर्किंग की। वर्किंग क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि ये एक आर्मेचर कॉइल रखी हुई है एक, ये देखो इसका ऊपर वाला एंड ए है, नीचे वाला एंड क्या है, डी है, पीछे वाला एंड सी है, एंड बी है। देखो आपको इसी चीज को मैं एक डायग्रामेटिकली एक चीज से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो ये आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल मैंने मान ली, ये एंड ए मान लिया, ये एंड मैंने डी मान लिया, ये एंड मैंने सी मान लिया और ये एंड मैंने बी मान लिया। इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या अप्लाई है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी ये क्वाइल रोटेट होती है क्या होती है, रोटेट होती है। देखो अगर ये क्वाइल ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज और ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। चलो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर इस क्वाइल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, किसमें रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तो रोटेट करने से इस क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, डिक्रीज, और इस पॉइंट पे आएगा तो फिर क्या हो जाते हैं, मिनिमम, और फिर जब ये धीरे धीरे ऐसे रोटेट करके आती है तो फिर बढ़ना स्टार्ट, यानी कि चेंज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्वाइल के अंदर, इस आर्मेचर क्वाइल के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और चेंज होने से इस क्वाइल के अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। अब बात करते हैं जब भी इस क्वाइल आर्मेचर क्वाइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से जरूरी है एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको क्लॉकवाइज भी चेंज कर सकते हैं, तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से इस क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इस क्वाइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, ये एंड तो ए था, ये एंड आपके पास डी था, हम लोग फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो ये एंड जो है आप लोगों के पास ए और डी एंड है, ये तो जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये एंड जो है ये आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसे घूम के आ रहा है। तो जब भी हम लोग देखें तो इसका मतलब अगर हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि जनरेटर डायनो रूल लगेगा, डायनो रूल कौन सा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या कहा गया है, ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड को स्ट्रेच करो, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ, ये क्वाइल ऐसे है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी, और इसका फ्रंट फेस कहा जा रहा है डाउनवर्ड, तो देखा जाए तो इस फ्रंट फेस में करंट की डायरेक्शन कहा आ गई, डाउनवर्ड, जिसको ए और डी के अंदर दिखाया गया डाउनवर्ड करंट आया। अब ये डाउनवर्ड करंट जा रहा है डी एंड से जाता हुआ, R1 रिंग से आता हुआ, R1 से निकलता हुआ और गैल्वेनोमीटर में ऐसे R2 के अंदर से जा रहा है। अभी जो ही क्वाइल जो है रोटेट होते होते हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, 180 डिग्री के एंगल से रोटेट होती है, तो देखो 180 डिग्री के एंगल से रोटेट होते ही आर्मेचर के एंड चेंज हो जाते हैं। अब ये जो बैक एंड था वो तो फ्रंट एंड बन गया, और जो फ्रंट एंड था वो है बैक एंड बन गया, और इसी के साथ साथ ये रिंग की
जो आप लोगों के पास है पोजीशन भी चेंज हो गई, जो नहीं R1 था वो R2 चला गया और R2 था वो R1 चला गया। बच्चों ये डायग्राम में आप लोगों के पास जो PDF फाइल रही है उसमें भी गलती से ये चेंज नहीं हुआ, तो प्लीज इसको चेंज कर ले आप अपनी PDF में, जब भी नोटबुक में लिखें तो यहाँ ये रिंग जहाँ R1 लिखा है इसकी जगह R2 आ जाएगा और R2 जो है उसकी जगह कौन चला जाएगा, R1 चला जाएगा। तो जो ही R1 से R2 जाएगा, अब देखो अब रेगुलरली एक वाइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, अब फ्रंट फेस कौन सा बन गया बेटा, हमारे पास ये एंड बी बन गया और ये एंड क्या बन गया, सी बन गया। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो इस पे हम लोग फिर से हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां लगा, नॉर्थ टू साउथ, इस फ्रंट एंड पे फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कहां होगी आप लोगों के पास, नीचे की तरफ होगी। और देखो करंट बी से सी जा रहा है, बी से सी जाते हुए यहां आप लोगों के पास फिर से करंट उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ये लो ऐसे करंट पास होके यहां से जा रहा है। अब दोनों केस में आप लोगों ने क्या स्टडी किया, वही चीज हमने एक चीज स्टडी की, क्या चीज स्टडी की कि दोनों कॉइल के अंदर अगर देखा जाए तो करंट दोनों केसेस के अंदर, ये ए केस भी है और ये हमने बी केस मान लिया, और दोनों केसेस के अंदर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, देखो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर ए एंड बी बाय यूजिंग द स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग या जिनको कम्यूटेटर्स बोल सकते हैं उनका यूज किया तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज नॉट चेंज इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन बेटा चेंज नहीं हुई। नहीं होने का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, डीसी करंट है, और जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए वो बेटा कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो यही फर्क है, तो यानी कि जो सारा का सारा जो रोल प्ले है दोनों के अंदर जो डिफरेंस डाल रहा है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहे हैं, वहां कौन से होते थे, स्लिप रिंग होते थे, स्लिप रिंग जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, और यहाँ है जो डीसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग होते हैं जिनको कम्यूटेटर्स बोलते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, नहीं करते, करंट की डायरेक्शन रेगुलर उसी मैनर में बनी रहती है, इसलिए इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और ये कौन कन्वर्ट कर रहा है, जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं। अब कोई आप लोगों से पूछे कि इसके अंदर जो आप लोगों के पास करंट इंड्यूस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, देखो हमारे पास दो तीन तरीके हैं जिनसे करंट इंड्यूस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले ये जो आर्मेचर कॉइल है, इस आर्मेचर कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये चीज मैं एसी में भी डिस्कस कर चुका हूँ, एसी जनरेटर में भी सिमिलर यही पैटर्न था। तो अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बढ़ा दिए जाए, टर्न्स ज्यादा कर दिए जाए, तो सिंपल सी बात है करंट इंड्यूस की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरे केस के अंदर बोला कि अगर इस आर्मेचर कॉइल का अगर हम लोग डायमेंशन जिसको साइज बोल रहे हैं अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज करने से इसके अंदर करंट इंड्यूस की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा चेंज होंगे और ज्यादा चेंज होंगे तो उतना ही आप लोगों के पास करंट इंड्यूस होगा। तीसरा फैक्टर, ये जो मैग्नेट अप्लाई किया हुआ है नॉर्थ और साउथ, अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर बना दिया जाए, स्ट्रोंगर बनाने से भी इसके अंदर आप लोगों के पास जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। और फोर्थ पॉइंट, अगर जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, अगर इसकी रोटेशन बढ़ा दी जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर दी जाए, तो उतने ही जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना फास्ट चेंज होंगे उतना ही करंट इंड्यूस आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। तो बेटा ये हमारे पास डीसी जनरेटर था, तो डीसी जनरेटर में आप लोगों के पास एसी जनरेटर में दोनों में डिफरेंस यही है स्प्लिट रिंग का आप लोगों के पास जो आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं आप लोगों को कि वीडियो में किस तरीके से कितना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।